हेलो दोस्तों, आज हम ना करारी भिंडी बनाने वाले, जिसमें बहुत मजा आता है। तब तक हम ना टीवी देख लेते हैं। दीवार पे ये आपने क्या कर दिया? टैंक बना रही हो? देवांशी आप क्या कर रही हो? क्या बना रही हूँ? Oh no! देवांशी आप क्या बना रही हो? देवांशी आप क्या बना रही हो? जूस। देवांशी आपसे क्या कर दिया? हे हरि राम कृष्णा गगननाथ करे मारूं, ये क्या हो गया? देवांशी ठीक है, ले जाओ, लेकिन उसका ध्यान रखना, तो मैं अपनी बड़ी बहन के पास। मेरा मुन्ना जरा आराम कर रहा है दोस्तों, अभी उठ जाएगा। नीचे उतर जा, मेरा लैपटॉप। हमेशा पापा की बेइज्जती है। देवांशी नीचे उतर जाओ, मेरा लैपटॉप टूट जाएगा। वैसे भी उसके दो टुकड़े तो हो ही रखे हैं, देखो। मैंने नहीं तोड़ा हो। किसने तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा, लुडू ने तोड़ा है। कुछ भी हो सकता है, अब ये सच्चाई तो मुझे पता नहीं। नीचे उतर रहे, मैं कुछ बोल रहा हूँ, नीचे उतर। देवांशी पता, कसम से बोल रहा हूँ, देवांशी देख, आवाज कम कर दे, आवाज कम कर दे। एक तो ऐसी कॉपीराइट आते हैं वीडियोस में, ऊपर से तू भी ले आएगी कॉपीराइट। दोस्तों हमारे घर पे ना नया दिन बहुत जल्दी आ जाता है, तो आज भी एक नया दिन है। और पिछले 6 घंटे से मैं लगातार इस कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, तो मेरी कमर भी दुख रही है दोस्तों। तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे बीच बीच में पानी पीना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, है ना? ऐसे गलत बात है। तो अभी मैं बच्चों के लिए जरा ग्लूकोज बनाता हूँ, है ना, जूस बनाता हूँ। राशि आराम कर रही थी अभी, तो जस्ट उठी है। यार सोच रहा हूँ कि चाय पीता हूँ, है ना, बीबी के हाथ की चाय, उसकी अलग ही बात है। देवांशी ग्लूकोज पिएगी? रुको रुको रुको, मिक्स करने दो। अरे मिक्स करने दे, अरे मिक्स करने दे। जाओ, मम्मी गई, मम्मी मार्केट गई, मम्मी मार्केट गई, गई। डर गई। देवांशी जिद कर रही है कि उसको भी ना सब्जी लेने के लिए मार्केट जाना है, लेकिन बच्चे रहेंगे मेरे साथ। ये लकड़ी का टुकड़ा मुझे फर्नीचर की दुकान में मिला था, और मैं इसको ना एज अ कोस्टर यूज करता हूँ। दोस्तों आजकल सब ऐसे हो रखे हैं, लमसट। मेरा रुद्दू जल्दी स्कूल भी जाएगा ना, अभी जरा डाउन फील कर रहा है वो ना। और मैं दोस्तों आजकल मुझे ना दवाई खा के ऐसी नींद आ रही है ना, कि मतलब रात दिन सुबह शाम को पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। कुंभकर्ण की बहन बनी हुई है आजकल। मेरे हस्बैंड सारा काम कर रहे हैं। मैं सारा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने ही काम करता हूँ। नहीं यार कर रही हो, ऐसे मत बोल रहे यार। You are doing किसी पे एहसान थोड़ी कर रहा हूँ ना, अपने ही काम तो कर रहा हूँ। You are doing everything perfect work। जो मैं करता हूँ ना वो दिखता नहीं है दोस्तों, जो दिखता है ना वो होता नहीं। दोस्तों कुछ भी नहीं कर रहे आजकल, हम आजकल थोड़ा आराम कर रहे हैं। चलो, और अब ना मेरी तबीयत थोड़ा पहले से सही है, थोड़ा सा। I'm so happy। अगर ये सही रहेगी तभी तो हम घूमने जाएंगे कहीं। मैं इसको कह रहा हूँ कि भाग्यवान जल्दी सही हो जा। और अब मैंने ना बाहर का खाना काफी छोड़ दिया है। हाँ सुनो सही, मैं इसको कह रहा हूँ कि भाग्यवान जल्दी सही हो जा, फिर हम लोग घूमने जाएंगे। हम इटली जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, टेक्सास जाएंगे, और जापान। पैसे भी होने चाहिए वहाँ जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, तोड़ के जाएंगे क्या? बिल्कुल दोस्तों, हम लोग कोशिश करते रहेंगे, और देहरादून भी जाएंगे घूमने। देहरादून Oh my darling, I love you।
देखते किसके घर पे जा रहा हूँ। हाँ हम गोवा ही जाएंगे जिंदगी भर। दोस्त बचपन में जब घर पे भिंडी बनती थी ना तो हम सब भाई बहन अपने मुंह पे लगाते थे, दीवार पे लगाते थे और फिर कंपटीशन होता था कि जिसकी भिंडी पहले गिर गई वो हार गया। तो बच्चों के साथ मुझे अपना बचपन जीने को मिल रहा है, तो मतलब मैं हर बार आपको बोलता हूँ मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मजा आ गया है। हम लोगों को ना हर पल को मतलब एंजॉय करना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके। दूल्हे की शादी बेटा, तेरा बापू तो बहुत पहले दूल्हा बन गया था, अभी तो तेरा बापू ना दादा बनेगा ना, जब तुम लोगों की शादी हो जाएगी। ओ मेरा बच्चा भिंडी मैन, ही इज भिंडी मैन। देवांशी मेरे पे भिंडी चिपका दे प्लीज प्लीज मेरी बिटिया रानी। वहां देखो मेरा भिंडी मैन बिल्कुल मतलब होता नहीं है, दिल से भिंडी चिपकाई है उसने। दोस्तों आज भी एक नया दिन है और आज मैं फर्स्ट टाइम बेसन वाली कुरकुरी भिंडी बनाने वाली हूँ। और भिंडी ना हमने रात को काट दी थी और दिन में बना रहे हैं, मतलब ये हमारा नया रूल स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हम लोग ना आजकल ज्यादा मिर्ची नहीं खा रहे हैं। डाल दे, छोड़ ना। अरे बताना भी जरूरी है ना सबको। ये है गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, नमक, थोड़ी सी हल्दी और धनिया पाउडर इसमें ज्यादा डलता है, इसमें है धनिया पाउडर। तो इधर भी डाल। हाँ मिक्स करना है उसको, ऐसे तो होने रखना है फिर। और मसाले कम हो गए तो बाद में भी आप डाल सकते हो। और ये है दोस्तों चाट मसाला। ये चाट मसाला पता नहीं ये कहाँ से देखा राशि ने, ये है चंकी चाट मसाला। जो कि चंकी चाट मसाला, रुक। हाँ डाल, है ना। अभी हम इस भिंडी को ना मिक्स कर रहे हैं। क्या करें दोस्तों, बच्चों के साथ इतनी सरदर्दी होती है ना। अभी हम मसालों को ना भिंडी में, अभी हम भिंडी मिक्स करेंगे। हाँ मसाले अभी हम ना भिंडी को, अभी हम भिंडी को नीचे आ गए तो बोल रहे, अभी हम भिंडी को ना, अभी हम भिंडी नहीं बोल पा रहा मैं, अभी हम भिंडी को मैं बोलने वाला था, चलो सॉरी। हाँ अभी हम भिंडी हाँ ठीक है, अभी हम इस भिंडी को ना मसालों के साथ, अभी हम मसालों के साथ इन भिंडी को ना अच्छे से मिला देंगे और उसी बीच में हम बेसन को भूनेंगे, बेसन को भूनेंगे। ठीक है, चलो। आप कंफ्यूज करते हो यार बहुत ज्यादा। हाँ ये कड़वा तेल, ये बहुत जरूरी था, हम भूल गए थे। हम भूले नहीं थे, आप भुला देते हो। ये देखो इनकी एंट्री होना जरूरी है किचन में। आंखों में जाएगा, उधर को हो जाओ, उधर को। हम लोग ना इतनी सी भिंडी के लिए ना 2 चम्मच बेसन को भून रहे हैं। अच्छे से हमने मिक्स कर दिए हैं सारे भिंडी को मसालों के साथ और थोड़ा सा कड़वा तेल, सरसों का तेल। 1-2 मिनट भूनने के बाद ना बेसन में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो इसको अलग से निकाल देते हैं। थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी अजवाइन। दोस्तों भिंडी को हमने 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए रख दिया था और अब हम इसको डालेंगे गर्मा गर्म तेल में। इसको ज्यादा ज्यादा आराम से मिक्स करना, मसाले हिल जाएंगे। सो गाइस वी शुड ऐड मोर नमक, माय हस्बैंड डाउटिंग कि नमक कम है। सो वी आर लिटिल बिट नमक एडिंग, मिर्च भी ऐड करो, नॉट टू मच, वेरी हल्का नहीं तो सुबह याद आएगा।
थोड़ा सा मतलब धनिया पाउडर। लो यार सब मिला ही दिया मैंने, क्या ही बोलूं। पतियों के आगे पत्नी हुई नहीं चलती है दोस्त, बिल्कुल नहीं चलती। पति होते ही ऐसे कचोरे करते हैं बहुत। व्हाट यू डूइंग कचोरे? कचोरे मतलब होता है नखरे। हाँ तो भाई बीवी नखरे करते हैं, लेकिन पति नखरे कब से करने लग गए। दोस्तों हमने भिंडी को थोड़ी देर भून दिया है, अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ बेसन। हाँ दोस्तों मैं भूल जाती हूँ, चल डालो। दोस्तों आई होप ये कुरकुरी भिंडी बने, वरना नहीं तो ये बनेगी बेसन वाली भिंडी। बेसन भिंडी। दोस्तों 10 से 15 मिनट में हमारी बेसन वाली भिंडी बन चुकी है। हमने सोचा था कि ये करारी बनेगी, लेकिन ये बनी है लुतपुती और फरारी। तो इसका नाम हो गया लुतपुती फरारी भिंडी। हाँ, है ना? नाइस नेम ना? वेरी नाइस, वेरी नाइस, दिस इज माय स्टाइल। यह है लुतपुती फरारी भिंडी। यस, बनानी तो करारी थी लेकिन बनी फरारी। दो लड़की कुछ चम्मच में। भगवान जी इतने अच्छे खाने के लिए थैंक यू। पापा खा ले, पापा खा रहे। आपने तो पहले खा लिया है। भिंडी कैसी? बोलो तो जताज है मक्स। पापा कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? मजेदार। मजे ही मजे। बहुत ही बढ़िया राशि। थैंक यू। मेरा आइडिया था। अरे लदोड़ी बाद में खाना, चल उठाओ किचन में रखो। चलो शाबाश जाओ। ये कौन ले जाएगा? जाओ शाबाश। चल हाथ धो लो, हाथ धो लो। अरे साबुन भी। हेलो दोस्तों, अभी मेरे मम्मी पापा ना बुक कवर लगा रहे हैं। अब पढ़ाई कौन करेगा? मैं। ठीक है। मस्ती कौन करेगा? मैं। फेल कौन होगा? कोई नहीं, पापा। पापा अब हम स्कूल जाने की गलती नहीं करेंगे। बहुत चले गए बचपन में। हमने बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत बोरिंग होता है बेटा स्कूल। आप भी जल्दी से 12वीं पास करो और निकलो कॉलेज। ये बाद में लगाएंगे ना, ठीक है? दोस्तों रुद्रांश की कॉपी किताबों पे ना कवर चढ़ा दिए हैं। तो ये था हमारा आज का सिंपल सा ब्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। आप लोग अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू। लाइक कर दो रे, शेयर कर दो रे, सब्सक्राइब कर दो रे, सो जाओ रे। नींद आ रही है रे दोस्तों, रात के 1 बज गए।